थोड़ा खिसकेंगे? हाँ, पक्का नहीं कह सकते। आदाब। हाँ? नमस्ते। मैं वो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? अरे एक एक करोड़ के शेर पड़े थे तुम्हारी आंखों को देख के। जरा सुन लीजिएगा, मेरी तारीफ में कुछ कहना चाहता हूँ। किस लिए और क्यों सुनो? तुम्हारी वजह से मुझे फटके पड़े, तब तो मैंने क्यों किस लिए कुछ भी नहीं कहा। तो तुम्हें भी संयम से मेरी तारीफ सुननी चाहिए, दिल को सुकून मिलेगा। बको। शुक्रिया। भाई का नाम है मास। कौन सा मास? आप यही सोच रही है ना कि ये कैसा नाम है? लंबी कहानी है। मेरी माँ बहुत गरीब थी, जब लेबर पेन शुरू हुआ तो पड़ोसियों ने अस्पताल में एडमिट करवाया, ऑपरेशन हुआ, मेरा जन्म हुआ और वो मर गई। माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, तो हॉस्पिटल वाले परेशान हो गए कि हम इस बच्चे का क्या करें। डॉक्टर दयालु था, उसने मेरी मरी हुई माँ का फोटो खींचा और मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया। मेरी माँ की फोटो देखते देखते मैं अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ, और जब मैं जवान हुआ तो वहां से निकल गया। मॉल चलते हैं मास से, सिनेमा चलते हैं मास से, गाने भी चलते हैं मास से, नेता की पॉलिटिक्स भी चलती है मास से, यानी पब्लिक से। मेरी कोई फूफी तो थी नहीं जो मेरा नाम रखे, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया मास से अच्छा नाम हो ही नहीं सकता। लगता है आप लोग इमोशनल हो गए, आइए आप लोगों का मनोरंजन किया जाए। क्रिकेट में तेंदुलकर, फुटबॉल में पेले, बॉक्सिंग में टाइसन, बताओ स्पोर्ट्स की परिभाषा क्या है? नहीं पता, निकल लो। तुम माँ टीवी, ई टीवी, नाइन टीवी, जेमिनी टीवी, इन सब पे ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं। तुम इधर आओ, सोशल ड्रामे की बात करते हैं। मम्मी डैडी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, पिंटू, ये सब सीरियल में होते हैं। अब सिनेमा की बात करते हैं। हिंदी में अमिताभ बच्चन, तमिल में रजनीकांत, मलयालम में मोहनलाल, कन्नड़ में राजकुमार, तेलुगु में मुझ जैसे बहुत है। अब मैं मौसम के बारे में बताता हूँ, गर्मी का, बारिश का और ठंडी का मौसम। मौसम विभाग बोलेगा तो कभी बारिश नहीं होगी। जिंदगी के तीन पहलू, बचपना, जवानी, बुढ़ापा और फिर खत्म। मैंने तुम्हें हर बात से याद करा दिया, एक बात रहेगी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये क्या हरकत है, बीच चौराहे पे प्रपोज करके अब मासूम बनकर खड़े हो? ए, तुमसे कह रही हूँ। आपने छू दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या मैं ये हर चलती फिरती लड़की से कहता हूँ? नहीं, वो सिर्फ तुम और तुम ही। तुम्हें इसका जवाब देना है। आप लोग जवाब सुनना चाहते हैं ना? खामोश, मैं किसी अरे गरे से प्यार नहीं कर सकती। हेलो, मैं भी कोई चलता फिरता आशिक नहीं हूँ, मास का भी कोई क्लास है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। आई लव यू का जवाब चाहिए? दो दिन का टाइम दे रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। अच्छे से सोच लो, मम्मी को बताना है। मम्मी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन शर्म आ रही है, मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है, मैंने उसे बोल दिया है, लेकिन क्या पता वो हाँ बोलेगी या नहीं। मुझे ना तुम्हारे आशीर्वाद चाहिए माँ। आशीर्वाद के लिए थैंक यू मम्मा। क्या ख्वाब था, अंजलि को बताऊंगा मैं। अरे बाप रे, फिर से आ गया। हाय अंजलि। हाय गर्ल्स। हाय मास। अंजलि, कल रात मैंने हमारे प्यार के बारे में माँ को बता दिया और वो सहमत भी हो गई। क्या ऐसा चौंक क्यों रही हो? पहला पहला प्यार है ना, रात को मैंने बेहतरीन ख्वाब देखा, हम दोनों की शादी हो गई, एक ही साल में जुड़वा बच्चे हुआ, एक बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम सूरज, बेटी का नाम चांदनी। ये कैसे नाम है? तुम्हें नाम पसंद नहीं आए तो और कोई अच्छे से नाम रख लेंगे, हम दोनों मिलकर चुनेंगे। इत्मीनान से सोच लो, चाहो तो यहाँ बैठ कर सोच लो। देखो तुम, इजारे मोहब्बत की कोई जल्दी नहीं है, बाद में भी कह सकती हो। बाय फ्रेंड्स। बाय अंजलि। ये क्या, मैंने हाँ भी नहीं कहा और इसने बच्चों के नाम भी सोच लिए। वो छोड़, ये बता तुझे बच्चों के नाम पसंद आए? बोल, इधर गया। पढ़ाई करने के बाद ही खेलने गया था। खेलने जाता है? अरे अरे, क्या कर रहे हैं? मेरी बिना जाने मार रहे बच्चे को। अरे मारो, छोड़ मैं। अरे बच्चा है यार, बोला ना मत मारो। तू बीच में बात बोल, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो तेरे जैसा आवारा बनेगा। मेरा बेटा लावारिस नहीं है, इसका भविष्य मैं बनाएगा, नहीं तो तेरे जैसा दर दर भटकता रहेगा। ये मेरा बेटा है, मैं इसे मारू पीटू कुछ भी करूं, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? आखिर तेरी हैसियत क्या है? तू तो एक अबे जाहिल, सवाल भेज लूंगा तेरी। क्या कर रहे भैया, आप रुक जा, मेरी बात सुन। क्या कहा तूने? मेरे भैया को अनाथ कहा? अरे ये वो शख्स है जो खुद बेसहारा होकर दूसरों को सहारा देता है। आज के बाद उन्हें कभी अनाथ मत कहना। अरे मैं हूँ उनके साथ, उनका भाई जिंदा है अभी। अरे भैया छोड़ दो, मुझे मार डालूंगा उसे। कम वक्त कहीं का क्या रे,
बड़ा गरम खून है तेरा। भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आपके लिए कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल करे और कोई बोल के दिखाए मुंह तोड़ दूंगा। चल थोड़ा हंस दे। अरे बस कर, मोटा हो जाऊंगा। क्या भैया, खाके जान बनाओ ना ताकि तेरी तरह मोटा हो जाऊं। चटनी तू दे रहा हूं ना, बस इतना काफी है। ठीक है, घी हाथ दे रहा हूं ना, ये लो भैया घी और इडली। पीछे देख कौन है। ए भाड़ा निकाल। बेटा दी, ड्रामा बहुत हो गया, भाड़ा इसने कल ही दे दिया। दे दिया। मैं इस महीने का भाड़ा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आने वाले महीने का भाड़ा। ए क्या कर रहे हैं ये, आज खाने के लिए नहीं कल खाने के लिए है। अगर इन्हें नहीं खाने दिया तो हफ्ते भर तक तुम खाओ, फिर तो मुसीबत हो जाएगी। क्यों रे, आज तक तुम तीनों मिलकर ड्रामा करते रहे इसलिए पहचान नहीं पाया है? मैंने इससे किराया मांगा, इसने एकदम मना कर दिया, फिर मैंने तुमसे कहा, तुम भल्लाल देव की तरह तलवार निकालकर उसके पीछे दौड़े। डर के मारे मैंने तुम्हारी माँ से कहा वकील को फोन करो, उसने मुझसे कहा चल जा बे। क्यों री, चल जा बे कहने की बजाय तुम, अरे मेरे मूर्ख पति देव, ऐसे प्यार से गाली देकर सच भी तो कह सकती थी ना। माफ कर दो। अब पैर क्यों पड़ रही हो? ओहो, इस गलती के लिए? नहीं नहीं। फिर किस गलती के लिए? तुमसे शादी जो की है। मुझे बुलाया? हाँ, अभी आया। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3। हेलो, एक जरूरी सूचना देनी है, सब 2 मिनट के लिए रुक जाएं प्लीज। आप सब जरा गौर से सुनिएगा, लड़कियां ना सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कों का सुनना जरूरी है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, ये मेरी जिंदगी और मौत का। माफ करना भाईजान। ठीक है, आखिर इतना ट्रैफिक क्यों है? यहाँ जो चाहे जिसे चाहे मोहब्बत कर सकता है, एक दूसरे को प्रपोज कर सकता है, उन सबको मैं गुड लक बोलता हूँ। आज तो ये भोंपू लेकर आया है, उसे कुछ ऐलान करना होगा तो टेंशन मत ले। इस भोंपू में मेरे बारे में ही बोलेगा। अब मैं जिसे प्रपोज करना चाहता हूँ, उस लड़की का नाम है अंजलि, जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। ये प्यार कर रहा है, ये इलेक्शन लड़ रहा है, भोंपू में बयान कर रहा है, इसलिए बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। उस पर किसी ने भी आँख उठाने की कोशिश की तो बवंडर आ जाएगा। ए, रुक जा, तेरी तो सही टाइम पर एंट्री मारी है ऑफिसर, इसे ना अंडरग्राउंड कर दीजिए अभी के अभी। ए, पहले तुम कंप्लेंट करोगी कि ये मुझे छेड़ रहा है, इसे जेल में डालो, और फिर तुम ही आकर ओहो हो ये वो नहीं है ऐसा कहकर मेरी ड्यूटी का मजाक उड़ाओगी। और ये भाई साहब मुझसे कहेंगे कि इस लड़की से मेरी कुंडली मिलवा के मेरी शादी करवा दो। तुम्हें लगता है पुलिस यही काम करती है? महाशय आप जारी रखिए। जी शुक्रिया। कहो तो ट्रैफिक हटवा दूं? बिल्कुल करिए सर। ओके। मुझे लगता है इसने पूरे शहर को रिश्वत खिलाई होगी। अरे छोड़ ना, ऐसे शहर में बहुत पड़े हैं। आई लव यू। सुबह सुबह बागीचे से आपके लिए तोड़ के लाए। चिरकुट, 2000 खर्च करके भोंपू लगा के ट्रैफिक की ऐसी तैसी करके मैं इसे सेट कर रहा हूँ और तू 2 रुपए का गुलाब दिखा के दाना डाल रहा है। पिछले कई महीनों से ट्राई कर रहा हूँ, तू अपने लिए किसी और को ढूंढ ले। ओ, तो वो लव गुरु आप ही हैं? आप ही के आशीर्वाद से तो ये मुझे मिली, मैं इसे संभालूंगा, आप निकलिए। ए, क्या बोल रहा तू? चटनी के। रोक। चल निकाल। समझ गया आज से अपनी भाभी। अंजलि, तुम्हारे लिए वो लड़ रहे हैं। हाँ, तो तू जाके छुड़ा ना, लगता है इसने भी रिश्वत खाई है। वो विलन, मैं हीरो। हीरो जब विलन को धोता है तो हीरोइन को हीरो की तारीफ करनी चाहिए। क्या तमाशा है ये? अपनी गलती के लिए पुलिस स्टेशन में माफी मांगी थी ना तुमसे, वहीं पर बात खत्म कर सकते थे ना, लेकिन तुम तो प्यार की पिपड़ी बजाने लगे। अपने नाम की कहानी सुनाकर मुझे इमोशनल करना चाहते हो। प्रपोज कर दिया, माँ को कहानी सुना दी, सपने देख लिए, बच्चों के नाम रख दिए, और नाम रखने के बाद मुझसे पूछते हो नाम कैसे लगे। और आज तो तुमने हद ही कर दी, भोंपू लगाकर पूरे शहर को बता दिया। अगर तुम्हारा बस चले तो अखबार में छपा दोगे, फिर टीवी पर ऐलान कर दोगे। अरे ओए, ये पेपर और टीवी का आइडिया तो बहुत अच्छा है, पहले क्यों नहीं सोचा? छूने के लिए थैंक्स। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझसे इश्क का इजहार कर। मेरी जूती से जिंदगी में कभी ब्याह नहीं करूंगी। करोगी? नहीं करूंगी। जरूर करोगी, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। इसी उम्मीद में मर जाओगे पर तुमसे प्यार नहीं करूंगी। चैलेंज? चैलेंज। खुद पर इतना गुरूर? बिल्कुल। मैडम 1 घंटा मेरे साथ बिता लो, तुम्हारा गुरूर चूर हो जाएगा। ऐसा क्या करोगे? मेरा साया भी तुम पर नहीं पड़ेगा, फिर भी तुम मुझसे मोहब्बत करोगी। ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? फिर अपनी ये शक्ल मत दिखाना। अंजलि, तू क्या इसके साथ जाएगी? ओ असिस्टेंट, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम जाओ,
रोज रोज के टॉर्चर से अच्छा है एक घंटा इसके साथ बिताकर ये मसला ही खत्म कर दूंगी। कहाँ जाना है बोलो? बस की सवारी हा? बड़ी प्यारी। स्टॉप स्टॉप, आइए मोहतरमा। बाय गर्ल्स। बाय। गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। तुम्हें लगा ऐसा कोई डायलॉग मारूंगा? बहुत गंदी लग रही है। एक घंटे का टाइम है हमारे पास, मुस्कुरा दो यार। बोलो कैसे बुला दूं तुम्हें। क्या बात है, ये लो गिटार और शुरू हो जाओ। बेटा दो पैकेट देना। देखो 45 मिनट हो चुके हैं, अभी 15 मिनट बाकी है ना। चलो कुछ दिखाता हूँ। कहाँ? अरे आओ ना, शर्मा क्यों रही है? भैया। हाय। भैया तुमसे मिले कितने दिन हो गए? क्यों रे, पिछले हफ्ते ही तो आया था, भूल गया? अंजलि ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। बेटा नमस्ते बोलो। नमस्ते। ये आइटम कौन है? भाभी है। भाभी? कौन भाभी? किसकी भाभी? किसने कहा भाभी? मैं भाभी नहीं हूँ। देखो मैं अंजलि, थोड़ा दिल बड़ा रखो यार, बच्चों ने खुश होके भाभी बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। चलो थोड़ा नेक काम करो, इन्हें खिला दो। जबान तो लंबी है लेकिन अकल कम है, इतने सारे बच्चे थोड़ा और लाना चाहिए था ना। जेब में पैसे उतने ही थे। भैया हटो। दीदी हमें पेट भर खिलाने की कोई जरूरत नहीं, प्यार से एकने वाला खिलाओगी वही काफी है। हमारा कोई नहीं है भैया की तरह, कभी कभी आप भी हमें मिलने आया करोगी? जरूर आऊंगी। हमको सब अनाथ कहते हैं, अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ मतलब भगवान के बच्चे। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी?